नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज। आज हम आपको एक खास खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र में जहां भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है और इससे हमें पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि हम अपना वोट किसे दें, ये हमारी इच्छा है। लेकिन जब गोली मारने की धमकी देकर वोट करने को कहा जाए तो ये अनुच्छेद 326 के तहत मिले वोट देने के अधिकार का हनन है। ऐसी ही एक वीडियो के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें लोगों को गोली मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। कहां कहां स्वागत विकास से, विकास पहले बहुत करवाया तुमने, विकास बोल भाई। चाहिए तो भाई मम्मन चाहिए ना, तो कुछ ना चाहिए। अगर कहीं ने मम्मन की हरियाणा की बात करी तो बिल्कुल गोली मार देंगे, तो बिल्कुल गोली मार देंगे। बकसता नहीं बिल्कुल भी, हम भी कोई कम डाउन ना, झिमरावट है हमारा काम, बिल्कुल मार देंगे। मम्मन हरा लगी बात, हमें विकास ना चाहिए, हम भूखा रह लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, लेकिन चाहिए हमें शेर। शेर है वो, शेर मेवा। धमकी दे के हमारे वोट ले लेंगे, वो प्यार से चाहे हमारे जामिया ले कोई देने तैयार है। वैसे हम कांग्रेस को वोट डालते हैं अपनी, जो ये गोली वाली बात चलाई है ना, तो मुश्किल है वोट देना। हरियाणा में जहां एक तरफ सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक मामम खान के समर्थकों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें समर्थक विधायक साहब और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और वोट ना देने पर गोली मारने की भी बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बार आपको विधायक साहब के समर्थकों का वो वीडियो सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तो दोस्तों एक ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे, बहुत देख रहा हूँ, ऐसे पड़े पड़े हैं फेसबुक पे जो मम्मन हराने की बात करे हैं। मम्मन के साथ और जितना भी मियो हाँ, जो मेवात में रहे हुए तो अलग, बाहर के भी मियो और मुसलमान मेवन सुबह अलग, सब वहाँ के साथ हाँ, और दुआ तकदीर बदल दे हुए, ठीक है। और हम दो तो वक्त साथ हाई हाँ जी जान सु, ठीक है। और मम्मन हराने वालों पैदा ना हुए, जब आधा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ उधर जाओ। हमें कुछ ना चाहिए, ना विकास चाहिए, ना सड़क चाहिए, जैसे मोदी भक्त कह रहे हैं ना, हमें कुछ ना चाहिए, ना रोटी मिल रही है नहीं, फिर भी मोदी क्यों, फिर भी मोदी चाहिए, ऐसे कहते हैं ना वो, ऐसे ही हम है, हमें कुछ चाहिए ही ना, सिर्फ हमारे लिए आवाज उठा दे जो हमारी कौम के लिए वो सबसे बड़ा शेर है और नेता है, ठीक है। एटीट्यूड वाने हूं चंडीगढ़ में जाके नहीं, और इतनी दिलेर बात कही ही और जिगर के साथ कही जाके, ये चापलूस के बस की बात ना है। उत्तर एम एल है टाइम पे, राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार ही एक वाजिब अली ने थोड़ी सी बात कही, बाकी मौजूदा जो विधायक है उन्हें काई ने ना उठाई इतनी आवाज, और वह बंदा तुम हराने की बात कर रहा हो, ऐसे ना हार से और ना हार से चैलेंज आई चंगेरा, तुम हराना कह रहा हो, तभी कह दो प्याज फूटना की बात है, जब त्यौहार को तो लग जाएगी बात, प्याज कैसे फूटे। तुमने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मोदी भक्त रहमान जो वो कहा कहवा उनसे जब नु कहवा, अरे अनाज नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी। तुम भी कह सको कि हमें ऐसा शेर नेता चाहिए, हमें कुछ भी ना मिले वो ठीक है, ठीक है। जब ऊपर की सरकार ना देगी तो तुम कहाँ से ले लोगे भाई, कहाँ से ले लोगे, तुम कहाँ से। हमें कौम के लिए लड़ने वाला एक शेर चाहिए मम्मन जैसा, उसके लिए सलूट है, ठीक है। बुजुर्गों की और मौलानाओं की सबकी दुआ उनके साथ है। तुम कहाँ कहाँ से आगे विकास से, विकास पहले बहुत करवाया तुमने, विकास बोल भाई। चाहिए तो भाई मम्मन चाहिए ना, तो कुछ ना चाहिए। अगर कहीं ने मम्मन की हरियाणा की बात करी तो बिल्कुल गोली मार देंगे, बकसता नहीं बिल्कुल भी, हम भी कोई कम डाउन ना, झिमरावट है हमारा काम, बिल्कुल मार देंगे। मम्मन हरियाणा की बात मत कर दी, अब भी विकास कुमार, विकास ही चाहिए तुमने, है ना, अब भी मियो ना चाहिए, विकास चाहिए। मम्मन हमें विकास ना चाहिए, हम भूखा रह लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, लेकिन चाहिए हमें शेर। शेर है वो, शेर मेवात, हमारे लिए वहाँ आवाज उठाना ये बड़े गर्व की बात है। एक शेर पैदा होता है, तुम जैसे जलील उसे भगाने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों जो मम्मन के फैन है, वह यह वीडियो है, वह सब मिलके पूरी मेवात में फैला दे और पे जरूर पहुँचाओ, ठीक है। लाइक जरूर करियो भाई, देख लो राजस्थान महल जलीलो।
राजस्थान में हाल देख लियो क्या हाल है, उनने भी ऐसी गलती करी। अगर तुमने मम्मन हरा दियो तो बिलडोजर को डलियो और मैं रहम को त्यार घर ने फोड़ू एक बार डसिया बात ध्यान रखियो फिर बिलडोजर चलाएंगे तो तो आपने सुना कैसे कांग्रेस विधायक के समर्थक लोगों को धमका रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मामम खान व उनकी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के अलावा वोट ना देने पर गोली मारने की बात बोलने वाले विधायक के समर्थकों का ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। नो पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे दोनों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। बता दें कि नो पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर बनाने के लिए एक टीम गठित की हुई है। टीम के सदस्य मनोज कुमार ने साइबर क्राइम थाना नो पुलिस को शिकायत में कहा है कि दो युवा फिरोजपुर झिरका के विधायक मामम खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट करने को कह रहे हैं और साथ ही वोट ना देने वालों को गोली मारने की भी धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास मनोज जो हमारा सोशल मीडिया सेल इंचार्ज है उनकी तरफ से कंप्लेंट तहरीर आई है जिसमें एक दो व्यक्ति यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर व्यक्ति विशेष के लिए वोट मांगने और आम जनता को धमकाने और उसको हराने की बात पर जान से मारने की धमकी देने के बारे में पर्चा दर्ज किया गया है हमने, जिसकी जांच चल रही है, तफ्तीश जारी है। अभी व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है जो अपने आप को झिमरावट गाँव का नाम ले रहे हैं और व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष के को वोट देने की अपील कर रहे हैं और ना देने और हराने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसे आम जनता में डर का व्याप्त है और जिसके कारण हमने पर्चा दर्ज किया हुआ है। इसमें हमने 196/1, 352 and 296/1712, 35, 49, 351/3 BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह की वीडियो वायरल ना हो, क्या अपील करना चाहिए और किस तरह से सख्ती से निपटा जाएगा? इसमें हम हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं इन पर, इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होती है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। तो वहीं समर्थकों के इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि वोट देना लोगों का अधिकार है और जिसको मन करेगा अपनी मर्जी से वोट देंगे, प्यार से चाहे तो जान मांग लो, धमकी से वोट नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। धमकी देके हमारे से वोट ले लेंगे, वो प्यार से चाहे हमारे जान भी ले, कोई देने तैयार है। वैसे हम कांग्रेस को वोट डालते हैं, जो गोली वाली बात चलाई है ना, तो मुश्किल है वोट देना। जितना काम हमारी बीजेपी सरकार ने यहाँ किया है मामूली बात है, 30 साल हो गए जुड़े हुए सरकार से, आज तो जो काम वास्ते गए हैं ना, कहते बीजेपी कहती कि वहाँ वोट लगाओ, नौकरी वास्ते वोट लगाओ, हम तो हरियाम सजाम गए हैं, हर एक काम हमारे ठगा ठग गए हैं, अब भी हो रहे हैं। अब भी बीजेपी के बंदे कोई पहुँचे, किसी बंदे लेके पहुँचे, काम हो रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहे हैं। ये तो फजूल की बातें हैं, कोई गोली मार के वोट मिलती है? प्यार से जान ले किसी, ऐसे वोट नहीं मिलती। जितने काम कारोबार हमारे इलाके में हुए किसी के नहीं हुए। बताओ ये गोल चक्कर, इतनी भीड़ हो, इतना दंगा होता था, कितनी खुली सड़कें हो रही, कितना हमारे तोखा नहीं आगे देख लो आप जगह जब इतनी एक बड़ा मर्द और वो होते हैं ना, कही सामने मीडिया के सामने आके नहीं खामी रवर कर कहीं कह रहे हो मैं नहीं जानता, उनको जो सजा हो वे कर दो। ये भी कैसे हो क्योंकि बालक है जी, कह दी हुई कोई बात ना, आगे सुनाओ से ऑनलाइन आके नहीं माफी मांग सके हो। क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर डालनी, खुलेआम धमकियां देना, ये तो तकबर, ये तकबर की घमंड की बात होगी ना जी। ये तो दो योजना ऑडियो वायरल हो रही है फेसबुक पे, मैं तुमको वह देख लूंगा, गुड़गांव आ जाए कोई भादस का की वीडियो, कहीं किसी की वीडियो, आज वर्करों को धमका रहा है, कोई बात जायज बात कह देता है उसको धमका देता है, ये तो तकबर हो गया ना। आज तक मम्मन का कोई फोटो ऐसा है कि वर्कर के गले मिलके या फिर वैसे बात कर रहा दूर से हाथ मिला के, नहीं बस ठीक, तकबर दिखा रहा नहीं है तो कोई, ये लीडरशिप करने का तरीका नहीं है ना। कोई 5 साल विकास किया, दादाजी मेरे पिताजी मेरे सारा टप्पर आज तक बीजेपी को वोट देता हुआ आया है और हम तो 24 घंटे गोलियाँ खाने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है ना जी। आप में दम है तो गोली खा मार के वोट ले लो, ठीक है ना, नहीं कुछ नहीं डरते।
आप में दम है तो ले लो, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। इस्लाम जी भाई कोर्ट का सबके लिए अधिकार है जी, इस तरह कोई केस मार देंगे जी और कौन बर्दाश्त कर लेगा जी इसको। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या मांग प्रशासन से करना चाहेंगे? प्रशासन से करना मांग चाहेंगे सजा दी जाएगी या बात की आगे बढ़ना चाहिए जी, और इनको जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं जी इनको दबाना चाहिए जी। क्या जाहिद हुसैन जी भाई ये तो गोली मारने की धमकी तो नू दे रखी है कि बढ़ाओ इतना दे रखो या नरी मंत्री से बनगो ना तो हर गांव में आदमी मरवाएगो, अभी तो गोली की धमकी दे रही या न इतनी गाली दे रहे फोन पे कोई थोड़ा सा खिलाफ बोल जा भाई गाली दे रहे मम्मा। और अब जो है वर्कर हाँ वोट गिरना को हर आदमी का अधिकार है, गोली कैसे मरवा दे कहीं कहीं भाई वोट अपनी शांति से गिरो, ऐसे चलिए भाई गोली मार देंगे जब वो जो मम्मन के खिलाफ बोलेगा। अरे भाई ठीक है मम्मन भी इलेक्शन लड़ रहा, आजाद मोहम्मद भी लड़ रहा, नसीम अहमद भी लड़ रहा, सबका अधिकार है वोट अपना कोई भी डाल सकता है कहीं भी दे सकता है, ये नहीं कि गोली मार दी जाएगी। तो ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे फितने आदमी से बचे, ये मम्मन तो का काम फितने का है, ये फितना फैलाएगा और इलेक्शन में फैलाएगा, पहले भी इसने इलेक्शनों में काम करे हैं खराब और अब भी यही काम कराना चाहता है। और ये कोई जीत गया नहीं, हाँ सर एमएलए बन गया और ये कोई पावर मिल गया कांग्रेस सरकार आ गई तो ये आदमी नहीं मरवाए गाँव गए, या ये नोट कर ले ये हकीकत बात है जहां मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई यही, ये बढ़िया आदमी नहीं है मम्मा, इसका नेचर बढ़िया नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी की तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी फिरोजपुर झील का कांग्रेस विधायक मामम खान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहरहाल जनता को धमका कर वोट मांगना और सोशल मीडिया पर इस तरह से गाली गलौज करना कितना सही है और कितना गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रथम तहलका न्यूज़।